नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ लोकसभा सांसद चंद्रशेखर जी हैं। आज बजट आया है, देश का बजट है, किस रूप में आप इस बजट को देखते हैं? ऐसा लग रहा है सिर्फ बिहार और आंध्र का बजट, मध्य प्रदेश को क्या मिला है? मध्य प्रदेश के SC ST OBC और जनरल समाज के लोग क्या मिला है? एजुकेशन में का बजट बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा? हेल्थ का बजट क्यों नहीं बढ़ा? महिला कल्याण पे क्या किया है? महंगाई से निपटने के लिए क्या किया है? इंटर्नशिप की बात करो युवाओं के लिए, देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। इंटर्नशिप के बाद क्या भविष्य? बेरोजगारी। क्या किया आपने? आज भी लोग देश में गटर का, आप विकसित भारत की बात करें, कौन सा विकसित भारत जिसमें जिस देश में लोग गटर में उतर के जान देते हों, उसमें जहाँ हंगर जो है उसमें हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा उसमें हो, तो कैसी बात करते हैं? सारा बजट जो है सरकार बचाने के जैसा लगता है और झुंझुना है। सबसे बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हुआ है और SC ST OBC कल्याण की कोई योजना नहीं है। घरेलू महिलाएं जो हैं उनका घर कैसे चलेगा, इसकी कोई योजना नहीं। टैक्स स्लैब में लेकिन राहत दी गई है, तो इसे क्या आप नहीं मानते हैं कि जनता के लिए कुछ राहत है? तो कितनी राहत है आप भी जानते हैं, और कितने और कर लग जाएंगे इसका भी आपको पता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो सस्ता हुआ हवाई जहाज का सफ़र आपने महंगा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर कहते थे चप्पल वाला आदमी जो है हवाई जहाज में घूमेगा, आपने सफ़र महंगा कर दिया। तो जनता को छलने का काम इस बजट ने किया है और जनता इस बजट को भी देख रही है, सरकार के कार्य रवैये को भी जनता माफ नहीं करेगी। तेलंगाना बिहार का विशेष ख्याल रखा गया है। तेलंगाना का कहाँ ख्याल रखा, आंध्र का ख्याल रखा गया। तो मैंने क्या कहा, नहीं इलेक्शन नहीं, सरकार बचानी है। नीतीश जी और नायडू जी जो है दोनों पावे पकड़े खड़े हैं सरकार के, वहाँ बजट नहीं दोगे तो सरकार का पता नहीं कितने चलेगी। हो सकता है कुछ दिन बाद दूर से लोग कुर्सी बैठे। तो ये थे चंद्रशेखर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो बजट है वो सरकार बचाने के लिए है। मैं रुपेश मिश्रा, पत्रिका TV के लिए, दिल्ली।